नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अमित के साथ। आज हम दिल्ली के एक अद्वितीय और आध्यात्मिक स्थान बहाई हाउस ऑफ वर्शिप, जिसे हम सामान्यतः लोटस टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, की यात्रा पर हम हैं। आगे कुछ भी बताऊं उससे पहले, और आप हमारे चैनल सफल भी करके पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही एक अद्वितीय वीडियो आपके सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लोटस टेम्पल पहुंचे कैसे। इसके लिए आप दिल्ली में किसी भी मेट्रो स्टेशन आकर वहाँ से लोटस टेम्पल के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन श्री कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन आ जाएं, और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस मात्र 200 से 250 मीटर की दूरी पर ये टेम्पल है, और इसी रास्ते पर श्री कालका देवी माँ जी का मंदिर भी है, जहां आप चाहें तो यहां का दर्शन कर सकते हैं। और यहां आने के लिए ये कोई भी एंट्री फी नहीं लगती है, और यहाँ पर अंदर आते हैं, यहाँ पर देखें कि वहाँ एक बैग मिलेगा, जहाँ कि आपको अपने जूते चप्पल उतार कर उस बैग में लेके और नीचे में वहाँ पर सबमिट कर देना है, वहाँ पर अपने जूते चप्पल, जो कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ पर उसके बाद जाने के बाद, जमा करने के बाद, आप वहाँ से सीधे वहां से सामने एंट्री ले सकते हैं। तो यहां मैं हूं लोटस टेम्पल के सामने, जो एक अद्भुत भव्य दृश्य है जिसे आप मेरे सामने देख सकते हैं। यह कमल के फूल की तरह है, शुद्धता और दैवीयता का प्रतीक। भारतीय उपमहाद्वीप का यह बहाई उपासना मंदिर दुनिया के विभिन्न भागों में खड़े 8 मंदिरों में सबसे नया है। इनमें से प्रत्येक की अपनी एक अलग पहचान है। प्रत्येक सभी धर्मों और नस्लों के लोगों को ब्रह्मांड के रचयिता की उपासना के लिए और ईश्वर तथा मनुष्य के बीच के प्रेम को दर्शाने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु यह वर दे कि एकता की ज्योति सारी पृथ्वी को आप्लावित कर ले, और साम्राज्य प्रभु का है। यह भाव समस्त जनमानस और राष्ट्रों के ललाट पर अंकित हो जाए। यह सब बाहुल्ला के थे। बहाई उपासना मंदिरों की सामान्य विशेषता यह है कि इनके 9 किनारे होते हैं। 9 सबसे बड़ा अंक है, और यह व्यापकता, एकमेवता और एकता का प्रतीक है। और इसकी जो आकृति को जो देखेंगे तो इसकी आकृति कमल के आकार का है, और इसमें कुल 27 पंखुड़ियाँ हैं, और इसमें 3 लेयर में ये आकृति बनी हुई है, और हर एक लेयर में 9 पंखुड़ियाँ हैं। और इस मंदिर के चारों तरफ नीचे में कुल 9 तालाब हैं, और इनसे जुड़ी ढेर सारे तथ्य मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगा, जिसकी आई बटन आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें आई बटन पर क्लिक करके इन सारे तथ्यों के बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर के बाहर की परिदृश्य के बारे में। लोटस टेम्पल हरा भरा बगीचों से घिरा हुआ है, जो शोरगुल से भरा हुआ शहर से बाहर एक शानदार दर्शनीय स्थल है। और ये वैसे दर्शकों के लिए खास स्पॉट है जो कि शांति की खोज में रहते हैं, तो वैसे दर्शक यहाँ जरूर एक बार विजिट करें। यहाँ घूमते हुए मुझे कुछ विजिटर लोगों से उनकी फीलिंग जानने का मुझे अवसर मिला, तो उनमें से कुछ विजिटर से मैंने उनके फीलिंग जानने की कोशिश की। तो आइए सुनते हैं उनकी फीलिंग्स। वेलकम सर, आप कहाँ से आए? हम जम्मू के रहने वाले हैं, बट कनाडा में रहते हैं। कनाडा में रहते हैं,
तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने इंडिया में आकर आपने ये जो कि दिल्ली में लोटस टेम्पल है उसको आपने विजिट किया, तो ये विजिट करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अंदर, ऐसे जैसे मैंने बताया कि कोई भी किसी भी धर्म का है तो इस टेम्पल को विजिट कर सकता है। इट्स अ रिलीजन ऑफ पीस एंड एवरीबॉडी इज वेलकम टू कम एंड मेडिटेट इन देयर, सो फेल्ट वेरी गुड। ओके, तो अंदर ये आने पर जो शांति मिलती है वो कहीं शांति तो कहीं मिलती नहीं है, तो ये जो शांति आपने जो लिया कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल करता है कि काफ़ी देर अंदर बैठा जाए और जैसे आपने कहा शांति प्राप्त हुई, तो बहुत ही अच्छा लगा। मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छी जगह ये है। बहुत ही बढ़िया जगह है। तो सारे फैमिली आप लोग कनाडा से ही आए? बिल्कुल, हम सारे कनाडा में रहते हैं। वो कनाडा में एक कौन सी जगह पर रहते हैं? टोरंटो में। टोरंटो में, ओके। नहीं तब नहीं बना है, जब ये न्यू पड़ी थी भाई धर्म की ना, तब राजा महाराजा थे, कुछ लोग उस पर मतलब इस धर्म को अपनाए थे, कुछ लोग नहीं अपनाए थे, तब बना था नीम, उसमें राजा महाराजा कुछ एकांत तो रहे नहीं सर, मूर्ति नहीं है, हाँ गुजराती में नहीं सर, वो ऊपर लगा है, बारिश नहीं आई थी सर। ये न्यू धर्म है, हाँ ये स्टार्ट ईरान से हुई थी, जिसके ईश्वर अवतार बाहुल्ला है, ईश्वर अवतार होते हैं ना, तो वो ईश्वर अवतार बाहुल्ला है, वहीं से इसका इनका धर्म स्टार्ट हुआ था भाई धर्म, तो हर जगह हर देश में फैला, तो ये टेंपल हर देश में बना है। ये टेंपल स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए इसका पर्पज एक ही होता है कि सभी धर्म के लोग आए एक साथ बैठे, एक साथ अपना अपना प्रार्थना दुआ चिंतन करें, एक ही पर्पज है, एक तरफ का टेंपल। तो अगर आप कभी भी नई दिल्ली में हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपने यात्रा में लोटस टेम्पल को अवश्य शामिल करें। यह एक ऐसा स्थान है जो धार्मिक से सीमाओं को पार करता है और एकता और शांति के सिद्धांत को अपनाता है। धन्यवाद कि आपने मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने का निर्णय किया, और अगली बार तक खोज जारी रहेगी और आप जिज्ञासु रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू आप सभी लोगों का।